हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड पुलिस एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर 4 तक डिस्कस कर लिया है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो सभी वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से पहले प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट करें, बिकॉज हम चैप्टर 4 तक डिस्कस कर चुके हैं। प्लस हमारे चैनल पर इम्पॉर्टेंट MCQs की एक सीरीज़ है, जिसमें कि आपको एविडेंस एक्ट के इम्पॉर्टेंट MCQ मिलेंगे, जो कि रिपीटेडली वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो कि आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्प ज़रूर करेंगे। तो आप वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। प्लस कॉन्ट्रैक्ट के इम्पॉर्टेंट केसेस, आंसर राइटिंग, किस तरह से आप आंसर्स लिखें फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, ये सभी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। सभी वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, अब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5, दैट इज़ सेक्शन 39 से लेकर के सेक्शन 49 तक हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज़ रिगार्डिंग द रोल, फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स, कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या वो फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो सेक्शन 39 जो है वो हमें यही बताता है कि व्हाट आर द ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स। देखिए, सेक्शन 39 के अंदर आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे और सभी को पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत नॉर्मल सी बातें हैं जो कि आप जानते हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे क्रैम अप नहीं करना, सिर्फ आप 2-3 बार रीडिंग करें कि सेक्शन 39 के अंदर क्या क्या फंक्शंस जो हैं वो पुलिस ऑफिसर्स को असाइन किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, टू अपहोल्ड एंड एनफोर्स द लॉ इम्पार्शियली एंड टू प्रोटेक्ट लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ह्यूमन राइट्स। कि पुलिस ऑफिसर्स की क्या ड्यूटी है कि वो लोगों की लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। सेकेंड, कि वो क्या करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, किसी भी तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ना हो, कॉम्यूनल हारमनी, किसी भी तरह के कोई लड़ाई दंगे ना हो, इस चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिवेंट करेंगे कि ऐसा एक्टिविटीज़ ना हो जो कि एंटी सोशल हो। फोर्थ इज़ टू प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टीज़, रोड, रेलवेज, ब्रिज, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करेंगे कि किसी तरह का अटैक यहाँ पर ना हो। टू प्रिवेंट क्राइम्स, डिफरेंट तरीके के क्राइम जो सोसाइटी में हो सकते हैं उन सभी को प्रिवेंट करेंगे कि किसी भी तरह की कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिमिनल्स को ना मिले कि वो कोई ऑफेंस कर सकें। टू एक्यूरेटली रजिस्टर ऑल द कंप्लेंट्स, अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस ऑफिसर्स के पास कंप्लेंट रजिस्टर कराने जाता है तो पुलिस ऑफिसर्स उसकी उस कंप्लेंट को रजिस्टर करेंगे। एंड इवन अगर उनके पास पोस्ट या ईमेल वगैरह के द्वारा भी कोई कंप्लेंट आती है तो उसको भी वो एक्नॉलेज करेंगे। नेक्स्ट, टू रजिस्टर एंड इन्वेस्टिगेट द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जो भी सभी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में अगर कोई पर्सन FIR लॉज कराता है। देखिए, यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि हम CRPC में पढ़ते हैं अबाउट FIR अंडर सेक्शन 154। सेक्शन 154 जो है CRPC का, वहाँ पर हम FIR के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर्स के पास FIR दर्ज कराता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, तो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या कोई ऐसा ऑफेंस सच में क्रिएट मतलब किया गया है या नहीं। टू क्रिएट एंड मेंटेन अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी इन द कम्युनिटी, पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी है, पुलिस ऑफिसर्स की ये ड्यूटी होगी कि वो जो हैं प्रॉपरली सिक्योरिटी मेंटेन करेंगे कि किसी भी तरह की लोगों को थ्रेट ना हो। एंड टू प्रोवाइड पॉसिबल हेल्प इन द सिचुएशन ऑफ नेचुरल और मैनमेड डिज़ास्टर्स, अगर किसी भी तरह का कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है या फिर कोई मैनमेड डिज़ास्टर, कोई प्राकृतिक आपदा अगर आती है तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ताकि जो रिलीफ के कार्य हैं, जो सहायता के कार्य हैं वो किए जा सकें। टू हेल्प द इंडिविजुअल्स हु आर इन डेंजर ऑफ फिजिकल हार्म, अगर कोई भी पर्सन किसी डेंजर में है तो उसकी भी हेल्प करना पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी है। टू फैसिलिटेट द ऑर्डरली मूवमेंट ऑफ पीपल, व्हीकल्स, टू कंट्रोल, रेगुलेट ट्रैफिक, की कोई जो है
ट्रैफिक जो है रोड पर वो प्रॉपरली मेंटेन हो रहे। टू कलेक्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट रिलेटेड टू द मैटर्स अफेक्टिंग पब्लिक पीस, कि पब्लिक पीस जो है वो सिक्योरिटी बनी रहे। टू परफॉर्म ऑल सच ड्यूटीज एंड डिस्चार्ज सच रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज मे बी एंजॉइंड ऑन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई अदर ड्यूटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस ऑफिसर्स को असाइन की गई है, तो पुलिस ऑफिसर्स अपनी उस ड्यूटी को भी प्रॉपरली परफॉर्म करेंगे। टू कीप एंड डिस्प्ले इन पुलिस स्टेशन अ रिकॉर्ड ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स। देखिए, आपने मूवीज में या देखा होगा कि पुलिस उसमें पुलिस स्टेशन में एक वो दिखाते हैं डिस्प्ले बोर्ड, जहाँ पर क्या होता है, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनकी लिस्ट लगी हुई होती है कि ये कुछ पर्सनस हैं जो कि हैबिचुअली ऑफेंस करते ही रहते हैं। तो उनकी एक लिस्ट जो है, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में मेंटेन रहेगा। टू मेंटेन अपडेटेड रिकॉर्ड ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड पर्सनस हु आर इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइज क्राइम्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एज वेल एज एट द स्टेट लेवल। दोनों लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज स्टेट लेवल पर, ऐसा रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाएगा। ओके, अब सेक्शन 39 का जो सबसेक्शन 2 है, यहाँ पर आप इम्पॉर्टेंट बात याद रखेंगे, दिस इज़ को रिलेटेड विद सेक्शन 46। अभी आगे हम सेक्शन 46 पढ़ेंगे, तो वहाँ पर देखते हैं कि सबसेक्शन 2 जो है सेक्शन 39 का वो क्या कहता है। ओके, तो इसको आप बस रिलेट करें वहाँ पर जब हम सेक्शन 46 पर आएंगे। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 40, दैट इज़ फंक्शंस इन रेवेन्यू पुलिस एरिया। देखिए, यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ रेवेन्यू पुलिस एरिया। तो जैसे ही आपने रेवेन्यू पुलिस एरिया ये टर्म पढ़ा, आपको याद आना चाहिए कि रेवेन्यू पुलिस एरिया की जो डेफिनेशन है वो कहाँ पर दी गई है। प्लस एक सेक्शन भी हमने पढ़ा था जहाँ पर रेवेन्यू पुलिस एरिया के बारे में बात की गई थी। ये दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे एंड आपको सफिशिएंट टाइम भी मिला कि इतने में मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान करें कि रेवेन्यू पुलिस एरिया के बारे में कहाँ पर बात की गई है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि रेवेन्यू पुलिस एरिया को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2U एंड सेक्शन 8 में हमने रेवेन्यू पुलिस एरिया के बारे में बात की थी। तो सेक्शन 8 एंड सेक्शन 2U, आप अपने बेयर एक्ट में इन दोनों सेक्शंस को मेंशन कर लें, सो दैट आप जब भी सेक्शन 40 पढ़ें तो इसके साथ आपको याद आए एंड इसी तरह से आप जो है वो चीज़ों को कोरिलेट कर पाएंगे। तो सेक्शन 40 बताता है कि पुलिस ऑफिसर्स के क्या फंक्शंस होंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू पुलिस एरिया। तो रेवेन्यू पुलिस एरिया के रिस्पेक्ट में पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो अगर किसी भी तरह की कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ क्राइम, किसी भी क्राइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसमें जो है वो पुलिस ऑफिसर्स अपना सहयोग देंगे, वो उस काम को करेंगे। एंड एज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट, जैसे उन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा डायरेक्शंस मिलेंगे उस तरह से वो वर्क करेंगे। नाउ वी कम टू सेक्शन 41, दैट इज सीनियर पुलिस ऑफिसर परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ सब ऑर्डिनेट ऑफिसर। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है वो अपने जूनियर की, अपने सब ऑर्डिनेट की किसी ड्यूटी को परफॉर्म करे। तो सेक्शन 41 जो है वो हमें आंसर देता है कि यस, ऐसा हो सकता है कि जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है वो अपने जूनियर की, अपने सब ऑर्डिनेट की ड्यूटी को परफॉर्म करे। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ही और शी में असिस्ट और सप्लीमेंट और सुपरसीड और प्रिवेंट एनी एक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट बाय हिज ओन एक्शन। अगर जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है वो चाहे तो वो क्या कर सकता है, जो सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर है उसके फंक्शंस को सप्लीमेंट कर सकता है, मतलब उसके साथ अपने भी काम जो है वो कर सकता है। या फिर अगर कोई ऐसा काम था जो कि सबऑर्डिनेट के द्वारा किया जाना था तो उसे सीनियर पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है, एंड by his own action or that of any person lawfully acting under his command or authority whenever the same may appear necessary। यहाँ पर जो important बात है वो ये कि जब कभी ऐसा necessary लगे या फिर बहुत ज़रूरी जो है वो प्रतीत हो कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो it will lead to the infringement of rights। तो ऐसे सिचुएशन में सीनियर पुलिस ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट की ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकता है, उसे असिस्ट कर सकता है और प्रिवेंट कर सकता है इस तरह से किसी भी अनलॉफुल एक्ट को। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 42, दैट इज़ पुलिस ऑफिसर्स ऑलवेज ऑन ड्यूटी एंड मे बी एम्प्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट।
देखिए ये आपको कंटिन्यूएशन में पढ़ना है कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो हमेशा ड्यूटी पर रहेंगे और किसी भी समय उन्हें एम्प्लॉय किया जा सकता है पूरे राज्य के किसी भी जगह पर. एवरी पुलिस ऑफिसर शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट बी कंसिडर्ड टू बी ऑलवेज ऑन ड्यूटी. समझा जाएगा कि पुलिस ऑफिसर जो है वो हमेशा ड्यूटी पर है एंड मे एट एनी टाइम और किसी भी समय उन्हें एम्प्लॉय किया जा सकता है एज अ पुलिस ऑफिसर इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट. राज्य के अंदर किसी भी क्षेत्र में उन्हें भेजा जा सकता है या फिर आउटसाइड द स्टेट भी उन्हें भेजा जा सकता है. ओके कि क्योंकि अर्जेंट अगर कोई इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होती है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी जो है वो लगा दी जाती है. ओके नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 43 कि पुलिस ऑफिसर्स नॉट टू एंगेज इन अदर एम्प्लॉयमेंट. कि पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो अदर किसी एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं होंगे. ठीक है, वो कोई अदर काम इस तरह से नहीं कर सकते. सेक्शन 44 दैट इज़ पुलिस ऑफिसर नॉट टू विदड्रॉ फ्रॉम देयर ड्यूटी. वो अपनी ड्यूटीज से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे. ठीक है, वो अपनी जो भी ड्यूटीज़ हैं उनकी ऑफिस की उनसे विड्रॉ नहीं कर सकते, अपने आप को मतलब मना नहीं कर सकते कि हम ये ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेंगे. सेक्शन 45 दैट इज़ पुलिस ऑफिसर्स मे ले इन्फॉर्मेशन एटसेट्रा. पुलिस ऑफिसर्स की ये ड्यूटी है कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो उसे किस तरह से पुलिस ऑफिसर्स जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे. तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू ले एनी इन्फॉर्मेशन बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट. जिस भी ज्यूरिसडिक्शन से के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी समन्स वारंट या कोई भी सर्च वारंट वगैरह पुलिस ऑफिसर्स को इशू कराने हैं तो वो किसके पास जाएंगे, वो अप्रोच करेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन. ठीक है, कि सपोज़ अगर कोई भी क्राइम होता है, किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है और फिर क्या करना है, सर्च वारंट अगर चाहिए हमें, या फिर अगर किसी पर्सन के रिस्पेक्ट में कोई समन्स इशू कराने हैं या वारंट इशू कराना है, कि तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से को इन्फॉर्म करेंगे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट से इस तरह की परमिशन सर्च समन वारंट वगैरह इशू कराएंगे. सेक्शन 46 दैट इज़ पुलिस ऑफिसर्स टू टेक चार्ज ऑफ अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी नॉट बीइंग अ केस प्रॉपर्टी. देखिए सेक्शन 46 जो कि अभी हमने पढ़ा था कि सेक्शन 46 इज़ को रिलेटेड विद सेक्शन 39 सबसेक्शन 2. ठीक है, दोनों को एक साथ पढ़ा जाना है. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सेक्शन 46 क्या कहता है. इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर. हर एक पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है टू टेक चार्ज ऑफ ऑल द अनक्लेम्ड मूवेबल प्रॉपर्टी. अगर किसी इस तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी पुलिस ऑफिसर्स को कहीं पर दिखती है जो कि क्या है, अनक्लेम्ड है, मतलब किसी भी व्यक्ति ने उसको क्लेम नहीं किया कि ये मेरी प्रॉपर्टी है. ऐसे ही या सिंपल वर्ड्स में कहें कि कोई लावारिस वस्तु अगर पुलिस ऑफिसर्स को दिखती है तो वो क्या करेंगे, उसे अपने कब्जे में लेंगे, उसका चार्ज लेंगे एंड टू फर्निश एन इन्वेंट्री देयर ऑफ टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. और उस प्रॉपर्टी के बारे में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है उसको इन्फॉर्म करेंगे. हु शैल बी कॉम्पिटेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ द सेम इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड एंड शैल कीप द कंसर्न्ड कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन फुली इन्फॉर्म्ड इन दिस रिगार्ड. तो देखिए सपोज ये कोई पुलिस ऑफिसर है, सपोज़ ये पुलिस ऑफिसर हैं, इनको कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो वो क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी को, ये कोई प्रॉपर्टी है, इनको ये प्रॉपर्टी मिली तो इन्होंने उस प्रॉपर्टी को अपने सबसे पहले अपने कब्जे में लिया. फिर इन्होंने पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, इस प्रॉपर्टी के बारे में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हैं उन्हें इन्फॉर्म करा. एंड अब जो ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं इनके पास ये पावर है कि वो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को ये तो है नहीं कि अपने पास ही हमेशा रखे रखेंगे. वो क्या करेंगे, उनके पास पावर है कि वो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं इन द मैनर विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड एंड शैल कीप द कंसर्न्ड कोर्ट हैविंग कम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन. और प्लस जो भी कोर्ट है जिसका ज्यूरिसडिक्शन वहाँ पर लगता है उस कोर्ट को भी इन्फॉर्म किया जाएगा कि इस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में हमें ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी मिली थी और इस प्रॉपर्टी को हमने कब्जे में लिया एंड इस प्रॉपर्टी को फिर हमने इस तरह से डिस्पोज ऑफ कर दिया. ये सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पर कोर्ट को दी जाएगी.
नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 47, दैट इज़ पुलिस ऑफिसर्स टू कीप डायरी. पुलिस ऑफिसर्स की ये ड्यूटी होती है कि वो अपनी एक डायरी मेंटेन करेंगे. सेक्शन 47 यही बात बताता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कि वो एक अपनी प्रॉपर डायरी मेंटेन करेंगे एंड उस डायरी के अंदर टाइम टू टाइम जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको मेंशन उस डायरी के अंदर करेंगे. नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 48, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट मे प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ रिटर्न्स. स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कोई भी रिकॉर्ड्स वगैरह मांग सकती है. तो द स्टेट गवर्नमेंट मे डायरेक्ट द सबमिशन ऑफ रिटर्न्स बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. कि जो रिकॉर्ड्स है या रिटर्न्स हैं ये किससे मांगे जाएंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से इस तरह के रिकॉर्ड्स मांगे जा सकते हैं. कौन मांगेगा, स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 49, दैट इज़ यूनिफॉर्म्स इंसिग्निया और अकॉर्डमेंट्स. तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रिस्क्राइब करेगी कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी प्रॉपर यूनिफॉर्म कैसी होगी. इंसिग्निया, इंसिग्निया का मतलब होता है कि जो कोई प्रॉपर बैज है पुलिस ऑफिसर्स को, कोई बैज अगर या फिर कोई भी आइडेंटिफिकेशन का कुछ बैज अगर मिलता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज इंसिग्निया. एंड अकॉर्डमेंट्स, अकॉर्डमेंट्स बेसिकली मीन्स द इक्विपमेंट्स की जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको अगर कोई भी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स अगर दिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर उन्हें कोई हेलमेट प्रोवाइड किया जा रहा है या फिर जो विसल होती है वो उन्हें दी जा रही है, तो दीज आर ऑल अकॉर्डमेंट्स और इक्विपमेंट्स जो भी उन्हें दिए जाते हैं. तो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कि क्या यूनिफॉर्म इंसिग्निया अकॉर्डमेंट्स वगैरह पुलिस ऑफिसर्स को दिए जाएँ. एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कि वो टाइम टू टाइम डायरेक्शंस इशू करें कि किस तरह से यूनिफॉर्म्स को प्रॉपरली पहना जाएगा पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा, और जो बैज है उसको कैसे कैरी किया जाएगा, और जो अकॉर्डमेंट्स वगैरह हैं उनके रिस्पेक्ट में सभी डायरेक्शंस जो हैं वो इशू कौन करेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है उसके पास पावर है कि वो डायरेक्शंस इस तरह से इशू करेंगे. ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने सेक्शन 39 से सेक्शन 49 तक डिस्कस किया. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें. एंड प्लस आपको अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी कनेक्ट हो सकते हैं. वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ के PDF प्लस आपको वहाँ पर हैंड रिटन नोट्स भी जो हैं वो अवेलेबल होंगे. सो आप टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं. एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल.